भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जगतपुर में मोहम्मद परवेज की गला रेतकर हत्याकांड मामले का आज सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल मोहम्मद परवेज का हत्यारा मोहम्मद राजा, उसके पिता मोहम्मद नौशाद और माता शकीला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्याकांड में प्रयुक्त चाकू, खून से सना कपड़ा बरामद किया है। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया था। पूछताछ के क्रम में आरोपी राजा ने हत्या करने का गुनाह कबूल कर लिया है। वहीं उसकी मां और पिता को घटना के साजिश में गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों को जेल भेज दिया गया है। 24 घंटे के अंदर ही लोदीपुर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। वहीं इस कांड का स्पीड ट्रायल कराकर अभियुक्तों को जल्द सजा दिलाई जाएगी। जिस चाकू का प्रयोग किया गया था हत्या के लिए, उसको भी बरामद कर लिया गया है। और इसके जो कपड़े जिसको पहन के इसने हत्या की थी, उसको भी बरामद किया गया है। और उसमें भी खून के धब्बे मिले हैं, चाकू पे भी मिला है। और इसको FSL भेजा जा रहा है आगे की कार्रवाई के लिए। और साथ ही पूछताछ में पता चला कि इनके जो माता पिता हैं, वो भी इस हत्या में संलिप्त पाए गए हैं। और पहले भी इन दोनों के बीच में काफ़ी बार छोटी मोटी लड़ाई झगड़े और इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। बिहार में जारी राजनीतिक संकट के बीच जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को सोमवार की शाम 8 बजे तक किसी भी हालत में पटना पहुंचने का निर्देश दिया है। बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी या जाएगी, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि विधायक दल की बैठक के बाद सियासी भूचाल आने वाला है। गोपाल मंडल ने भागलपुर में कहा कि आलाकमान की तरफ से आज रात 8 बजे तक पटना पहुंचने का निर्देश दिया गया है। मंगलवार को विधायक दल की बैठक में क्या होने वाला है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन राज्य में जो ताजा राजनीतिक हालात हैं, उससे लग रहा है कि कोई बड़ा भूचाल आने वाला है। उन्होंने कहा कि अभी तक तो जेडीयू एनडीए गठबंधन के साथ है, लेकिन विधायक दल की बैठक में पता चलेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह क्या निर्णय लेते हैं। गोपाल मंडल ने कहा कि आरजेडी ने भी अपने सभी विधायकों को पटना में रोक कर रखा है। कांग्रेस ने भी अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। वहीं जेडीयू के जो विधायक पटना से बाहर हैं, उन्हें रात 8 बजे तक किसी भी हाल में पटना में रहने को कहा गया है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। अब कल बैठक में क्या होती है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। जरूर लगता है कुछ न कुछ भूचाल आएगा। क्या लगता है गठबंधन से कितना संतुष्ट हैं आप लोग? अरे गठबंधन से संतुष्ट रहे ना, अभी तक तो गठबंधन में है। अब कल बैठक होने के बाद क्या निर्णय लेते हैं नहीं लेते हैं, हम लोग को बुलाया गया है। आरजेडी के लोग भी अपने विधायक को, सारे विधायकों को रखा है रोक के। हम लोग को भी जो छूटा है सबको बुला रहे हैं। अभी तैयारी पटने की है, वहीं जाएंगे। भागलपुर जिले के नवगछिया में 32 साल के युवक ने 44 वर्षीय महिला के साथ जबरदस्ती रेप किया, फिर पिटाई की, धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो पूरे परिवार को जान से मार दूंगा, जिसके बाद महिला ने डीएसपी, एसपी और डीआईजी तक से मदद की गुहार लगाई। दरअसल घटना जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के बोड़वा बहियार की है, जहां पीड़ित महिला घास काटने खेत गई थी, तभी पीछे से आरोपी आ धमका और महिला के साथ जबरदस्ती उसका बलात्कार किया। यही नहीं, आरोपी ने पीड़िता के कपड़े फाड़ दिए और जमकर पिटाई की। जाते जाते धमकी दे गया कि इस मामले की शिकायत किसी से भी की तो पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। महिला ने यह आरोप रंजीत मंडल के नाम के व्यक्ति पर लगाया है। घटना के बाद पीड़िता ने अपने पति को सारी बात बताई। पीड़िता मामले की शिकायत करने थाने गई, जहां उसकी बातें नहीं सुनी गई तो पीड़िता ने नवगछिया एसपी से मामले की शिकायत की, तो एसपी ने महिला थाने को तलब किया। महिला थाने में FIR दर्ज की गई। घटना के करीब 7 दिन बीत जाने के बाद बीते 2 अगस्त को पीड़िता का मेडिकल जांच करवाई गई। इन सब से जब महिला को न्याय नहीं मिला तो महिला 3 अगस्त को डीआईजी विवेकानंद से मिलकर आवेदन देने पहुंची, जहां महिला ने आवेदन में कहा कि बोड़वा गांव के निवासी रंजीत मंडल ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। वहीं महिला ने आवेदन में यह भी लिखा कि घटना के बाद वो पहले महिला थाने गई थी, जहां से उसे भगा दिया गया, फिर एसपी को आवेदन देने के बाद महिला थाने में FIR दर्ज हुई। साथ ही महिला ने आवेदन में यह भी लिखा कि अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने के कारण आरोपी फिर से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी दे रहा है। मेरे साथ गलत किए हैं वो। अच्छा, 25 तारीख को 25 तारीख को गलत किए, तो मैं 26 तारीख को यहाँ महिला कोर्ट आए हैं। हाँ। तो यहाँ महिला थाना हमको डांट धो के भगा दिया कि नहीं जाओ, तुम गलत बोलती हो। हाँ। तो मैं किसी तरह अपने से चल के सरकारी हॉस्पिटल में जाके बोले तो मेरा इलाज किया। हाँ। तो फिर से बोले डॉक्टर साहब को कि मेरे साथ गलत किए हैं, तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, पुलिस वहाँ लिख के देंगे, तब मैं मेडिकल कराएंगे। हाँ। तो फिर 4 दिन आते रहें तो मैडम फिर हमको भगाते रहें, तो तब फिर
एक दिन चार दिन के बाद मेरा मेडिकल करवाए। अच्छा, तो सारा लाभ तो उसी को मिल गया, तो मेरा क्या हुआ। तो फिर अभी तक वो जो रंजीत मंडल है कि वो बोल रहा है कि हम जेल जाएंगे तो इसको मारिए के जाएंगे। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान नवादा जिले के कांवरिया की मौत हो गई और पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं मृतक की पहचान नवादा जिले के नरहट थाना क्षेत्र के खनमा गांव के निवासी नरेश सिंह के 42 वर्षीय पुत्र पंकज सिंह के रूप में हुई है। वहीं हादसे में मृतक की पत्नी फराह देवी जख्मी है, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं घायल पत्नी ने बताया कि वह और उनके पति पंकज सिंह भागलपुर जिले के सुल्तानगंज की उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर बाइक से देवघर के लिए रवाना हुए थे। इसी बीच बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र के जिलेबिया मोड़ के समीप सोमवार की सुबह में अज्ञात वाहन ने पीछे मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर फरार हो गए, जिससे पति पंकज सिंह और पत्नी फराह देवी गंभीर हालत में भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराए गए, जहां पति पंकज सिंह के इलाज के दौरान मौत हो गई और घायल पत्नी का इलाज चल रहा है। भागलपुर में मोहर्रम की 9वीं तारीख पर सराय किला घाट इमामबाड़ा में फातिहा कराने के लिए विभिन्न मोहल्ले से दर्जनों अखाड़ा जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर ताजिया, निशान, सिपर और थर्माकोल की बनी कई तरह की झांकियों का प्रदर्शन किया गया। वहीं युवा ढोल ताशे बाजे एवं मोहर्रमी धुन पर पारंपरिक हथियार के साथ करतब दिखाते नजर आए। चौक चौराहे पर अखाड़ा देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सेंट्रल मोहर्रम कमेटी और शांति समिति के सदस्यों ने प्रशासन का सहयोग करते दिखे। साथ ही अखाड़ा जुलूस में शामिल लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। सुबह 10 बजे से ही शहर के तमाम अखाड़ा जुलूस फातिहा खाने के लिए शहर के विभिन्न मार्गों से होकर सराय किला घाट स्थित इमामबाड़ा पहुंचते रहे, जबकि अखाड़ा जुलूस में शामिल युवाओं की टोली पारंपरिक हथियारों से लैस होकर तलवारबाजी, लाठी, फरसा और सिपल से करतब दिखा रहे थे। वहीं जुलूस में लहराया जा रहा राष्ट्रीय ध्वज देश प्रेम को दर्शा रहा था। वहीं मोहर्रम को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। सिटी एसपी का कहना है कि कहीं से भी कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर हर एक चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती की गई है और जितने भी संवेदनशील पॉइंट्स हैं उनको चिन्हित किया गया है और उसी के हिसाब से ज्वाइंट ऑर्डर भी बनाया गया है। हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है कोतवाली से लेकर ततारपुर जो इमामबाड़ा, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहता है पैकर्स का, और कल और परसों शाहजंगी का जो रूट रहेगा उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहेगा। तो इसमें हम लोग का प्रयास रहता है कि कोई फोर व्हीलर नहीं आए, कोई बड़ी गाड़ियों का प्रवेश ना हो, और आवश्यकता पड़ने पे हम लोगों ने गाड़ियों को डाइवर्ट करने का ही प्लान बनाया है। सावन के अंतिम सोमवारी पर सुल्तानगंज के विभिन्न शिव मंदिरों में शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। चारों तरफ शिव भक्त भगवान शिव की महिमा का गान कर रहे थे। मंदिरों में पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ से अपने और सगे संबंधियों का कल्याण को लेकर आशीर्वाद मांगा। कुमारी कन्याओं से नंदी से मनोवांछित वर की गुहार लगाई। वहीं सुहागिन महिलाओं ने पति की दीर्घायु होने की कामना की। वहीं सावन के अंतिम सोमवारी के मौके पर सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा तट पर अवस्थित बाबा अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। मंदिर का पट खुलते ही स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ कांवरियों की कतार मंदिर में लग गई। शिव भक्त फूल, पत्थर, अक्षत, धूप, नैवेद्य आदि सामग्री से पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं मंदिर में अत्यधिक श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन मंदिर में मुस्तैद रही। श्रावणी मेले के दौरान पिछले कुछ दिनों से अजगैबीनाथ मंदिर और नई सीढ़ी घाट के बीच गंगा नदी में मगरमच्छ देखा जा रहा है। सोमवार को भी एक बार पुनः मगरमच्छ के सूखे पीले पर निकलने पर उसे देखने लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन मगरमच्छ कुछ ही पल टीले पर रहा, फिर पानी में चला गया। वन विभाग की टीम को सूचना मिलते ही पेट्रोलिंग बोट लेकर गंगा में भ्रमण सील होकर टीले पर गए, तब तक वहां पानी के अंदर चला गया था। कयास लगाया जा रहा है कि मगरमच्छ अब गंगा नदी की मुख्य धारा की ओर बढ़ रहा है। लखीसराय ट्रेन जलाने के मामले में भागलपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभाग अध्यक्ष विलक्षण रविदास का नाम आने पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया एवं उन पर विभागीय कार्रवाई हेतु प्रतिकुलपति को मांग पत्र सौंपा गया। परिषद के विश्वविद्यालय संयोजक आशुतोष सिंह तोमर ने कहा कि लखीसराय ट्रेन जलाने वाले गिरफ्तार नक्सली ने प्रोफेसर विलक्षण रविदास का नाम लिया है और उसके पास सबूत के रूप में पत्र भी प्राप्त हुए हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन इन पर भागी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। जिस प्रकार से लखीसराय की घटना, ट्रेन जलाने की घटना हुई थी और वहां गिरफ्तार
हार्डकोर नक्सलियों ने यहाँ के शिक्षक प्रोफेसर विलक्षण रविदास का नाम लिया है और इनके नाम की उनके पास से चिट्ठी प्राप्त हुई है, तो इसमें साफ जाहिर होता है कि विलक्षण रविदास का इसमें इस घटना में संलिप्तता है और पूर्व में भी प्रोफेसर विलक्षण रविदास का कहीं न कहीं नक्सली गतिविधियों में कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें वो शामिल रहे हैं और ऐसा सच भी कई बार प्राप्त हुआ है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन से, कुलपति से, राजभवन से सभी से मांग है कि ऐसे प्रोफेसर पर कार्रवाई किया जाए और विश्वविद्यालय को नक्सलियों का अड्डा न बनने दिया जाए। स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र पिछले 5 वर्षों से बच्चों के अभिभावक को पौधा देते आ रही है। जो बच्चे डॉक्टर अजय सिंह के क्लिनिक से स्वस्थ होकर निकलते हैं, जहां उनके घर में एक तरफ खुशहाली होती है, वहीं दूसरी ओर लोगों को ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। इसको लेकर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा, माँ की गोद में बच्चा और पिता लगाएंगे वृक्ष। ऐसे विषयों को लेकर हमारी संस्था काम कर रही है, जहां माँ बच्चे को संभालेगी, वहीं पिता वृक्ष लगाएंगे, जिससे पर्यावरण संतुलित रहे और लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। वहीं डॉक्टर अजय ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि प्राकृतिक संपदा को बचाने का प्रण लें और अपने आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, जिससे अपना पर्यावरण शुद्ध व स्वच्छ रहे, जिससे हम लोग स्वस्थ रहेंगे। स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र से पिछले 5 वर्ष से हम बच्चे के पेरेंट्स को पौधा दे रहे हैं। जो बच्चा यहाँ से बच के निकलते हैं तो घर में खुशहाली छाती है, लेकिन यह समझना होगा कि ये जो ऑक्सीजन से ज्यादातर बच्चों को ऑक्सीजन लगता है, वो ऑक्सीजन आता कहाँ से? वो पौधों से आता है। तो जो ऑक्सीजन के चलते बच्चा बचते हैं तो वो ऑक्सीजन का पौधा घट रहा है और पर्यावरण संतुलन हम सबों की जिम्मेदारी है और इसीलिए हम लोग एक योजना निकाले हैं कि माँ के गोद में बच्चा और पिता का गोद खाली क्यों रहे, तो पिता के गोद में पौधा देते हैं।